हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और एक्सेल में रो और कॉलम की विड्थ एडजस्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की बारे में बात करेंगे। बात करें कॉलम की, तो कॉलम की विड्थ तो आप एडजस्ट करना पहले भी सीख चुके हैं, जिसे मैंने बताया था अल्ट एच ओ आई। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली ये रिसाइज हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट द विड्थ ऑफ रो, रो की विड्थ को एडजस्ट करना है तो कैसे एडजस्ट करेंगे? जैसे मान लीजिए ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, तो रो की विड्थ कैसे एडजस्ट करी जाए? ठीक है, यहां पर देखिए इसको भी मैं छोटा कर देता हूं दिखाने के लिए। तो ये रो की विड्थ को कैसे एडजस्ट करें हम, ठीक है, शॉर्टकट की मदद से, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं, इस जो भी रो की विड्थ को आपको एडजस्ट करना है उन रोज को आपको कर लेना है सेलेक्ट। लाइक यहां पर मैं इन रोज को सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है जो है अल्ट, फिर प्रेस करना है एच, फिर प्रेस करना है ओ और फिर प्रेस करना है ए। तो जैसे ही ये प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली रो की विड्थ जो है एडजस्ट हो जाती है, ठीक है।